फॉलोअर्स और व्यूअर्स की रिक्वेस्ट बना रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और मेरे चैनल पर जो पहली बार आए हैं उस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिटुमिनस मैकाडम कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो बिटुमिन की क्वांटिटी है या बिटुमिन का वेट है वो कितना आपको रिक्वायर्ड होगा बिटुमिनस मैकाडम कंस्ट्रक्शन के टाइम, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं उसके लिए समझा देता हूँ आपको। तो आपके लिए इसमें जो मिनिमम मेजरमेंट या क्राइटेरिया लगेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको, क्या 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 इसमें मेजरमेंट आपको चाहिए होंगे। तो इसके लिए मेजरमेंट आपको चाहिए हैं लेंथ ऑफ कंस्ट्रक्टेड रोड, यानी जो आपकी रोड की लेंथ है वो आपको कितनी लंबाई में कंस्ट्रक्ट करनी है वो लेंथ आप ले लीजिए। तो एल मान लीजिए आपको, तो मैं मान लीजिए मैं 100 मीटर की लेंथ लेकर चल रहा हूँ। 100 मीटर लेंथ के लिए आपको बिटुमिन की क्वान्टिटी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो 100 मीटर आपकी हो जाएगी एल, जो हो जाएगी मेरी लेंथ। फिर हो जाएगी बिट्थ, यानी जो आपकी बिटुमिनस मैकाडम की बिट्थ है या किसी भी बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन की बिट्थ है उसकी बिट्थ हो जाएगी मेरी 5.0 मीटर, ठीक है। और डेप्थ ऑफ बिटुमिनस मैकाडम जिसको मैं स्मॉल डी से डिनोट करूँगा तो ये मेरी हो जाएगी 75 mm, या मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा तो ये 0.075 मीटर, ठीक है। ये मेरे स्टैंडर्ड डाटा नहीं है, ये चेंज भी हो सकते हैं आपकी रोड के साइट के अकॉर्डिंग। ये जो मेरी एल बी डी है, लेंथ बिट्थ और डेप्थ, ये चेंज हो सकती है, लेकिन मैंने जो एक नॉमिनल जो होते हैं अधिकतर रोडों में जो लिए जाते हैं वो मैंने बता दिए हैं। 100 मीटर लेंथ, ब्रेथ हो गई 5 मीटर और डेप्थ हो गई मेरी 75 mm या 0.075 मीटर। तो चलिए फ्रेंड, इससे कैलकुलेशन कैसे करना है इसके आगे और हम देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन करेंगे। चलो आप देखिए, जब आपका इसकी लेंथ ब्रेथ और डेप्थ हो जाएगी कि आपको लेंथ कितनी करना है, ब्रेथ कितनी करना है और डेप्थ कितनी करना है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा, वो हो जाएगा एल वी डी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डेप्थ। ये तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा जो टोटल वॉल्यूम है कंस्ट्रक्टेड वॉल्यूम, या जितना मुझे वॉल्यूम चाहिए बिटुमिनस मैकाडम को, वो मेरा वॉल्यूम मैं निकालूंगा। तो मेरा 100 मीटर लेंथ है, 5 मीटर विड्थ है और 0.075 मीटर डेप्थ है, तो मेरा जो रिकॉर्ड वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 37.5 क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये मेरी रिकॉर्ड वॉल्यूम हो जाएगी 100 मीटर लेंथ के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपने इसका जब वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे 100 मीटर लेंथ के लिए, तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके पहले, जिससे मैंने अपने बिटुमिनस मैकाडम की मार्शल मिक्स डिज़ाइन और उसकी डेंसिटी निकालने का तरीका बताया था, जिसको मैं फिर से आई बटन में दे दूंगा, तो आप आई बटन में इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या होगा, आपको बिटुमिनस मैकाडम की मिक्स की डेंसिटी निकालना होगी। तो अगर आपने डेंसिटी निकाल रखी है तो मैं अब बता देता हूँ, जैसे मेरे जो बिटुमिनस मैकाडम का मिक्स है उसके लिए मैंने डेंसिटी 2.40 ग्राम पर cc ले ली है, 2.40 ग्राम पर cc, या इसको मैं टन में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 2.40 टन पर क्यूबिक मीटर। ये मेरी बिटुमिनस मैकाडम की डेंसिटी है, और जो डेंसिटी है मेरी कॉम्पैक्टेड डेंसिटी है, ओके फ्रेंड्स, लूज डेंसिटी नहीं है, ये मेरी कॉम्पैक्टेड डेंसिटी है। अब जब मैं डेंसिटी निकाल लूँगा तो मैं इससे क्या करूँगा, डेंसिटी मेरे पास आ जाएगी और मेरे पास वॉल्यूम है, यानी कि मेरे जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, जो मुझे क्वांटिटी लेना है, वो मेरी वॉल्यूम हो जाएगी 37.5 क्यूबिक मीटर, मेरी 100 मीटर की लेंथ के लिए वॉल्यूम हो जाएगा टोटल मटेरियल का, और मेरे पास डेंसिटी है 2.40 टन पर क्यूबिक मीटर। तो इससे मैं क्या करूँगा, मेरे 100 मीटर लेंथ के लिए मैं टोटल मिक्स का वेट निकाल लूँगा। टोटल मिक्स का वेट, जैसे मेरा मान लीजिए 37.5 मेरा क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है और 2.40 मेरी डेंसिटी है, तो इससे मेरा जो वेट आ जाएगा वो हो जाएगा 90 टन, यानी कि इतना टन मुझे टोटल मिक्स का वेट लगेगा 100 मीटर लेंथ के लिए। चलिए अब मेरे पास वेट आ गया है टोटल मिक्स का, और टोटल मिक्स का वेट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इससे बिटुमिन की क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे जो सब्सक्राइबर या फॉलोअर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि 3.4% बिटुमिन कंटेंट उन्होंने लिया है, तो उसके लिए बिटुमिन कंटेंट कितना होगा, तो उसके लिए बिटुमिन कंटेंट बता देता हूँ। जैसे 3.40 बिटुमिन कंटेंट है आपका मान लीजिए, तो मेरा टोटल, तो जो मेरा टोटल मिक्स है, टोटल मिक्स में मुझे बिटुमिन भी है उसमें, एग्रीगेट भी है और सारे मटेरियल्स में फिलर एग्रीगेट और बिटुमिन मिक्स, मेरा टोटल वेट हो गया मिक्स का जो है मेरा 90 टन, ठीक है, 90 टन है, और मेरा जो बिटुमिन कंटेंट है वो है 3.40। तो मुझे 90 का 3.40% निकाल लेना है, तो 90 का मेरा 3.40% हो जाएगा 3.06 टन, ठीक है, यानी कि 100 मीटर लेंथ के लिए मेरा 3.06 टन बिटुमिन का वेट आएगा। अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 3060 केजी, यानी 3060 किलो।
तो ये मेरी 100 मीटर की लेंथ के लिए बिटुमेन की क्वांटिटी हो जाएगी, 3060 kg बिटुमेन मुझे लगेगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपकी टोटल लेंथ है रोड की 1 किलोमीटर है। ठीक है, अब 1 किलोमीटर लेंथ के लिए कितना बिटुमेन लगेगा वो ही मैं आपको बता देता हूँ। तो 1 किलोमीटर में आपके टोटल होते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर को अगर मैं बाइफरकेट कर लूँगा तो मैं इसको 10 × 100 मीटर कर सकता हूँ, यानी कि 100 मीटर के 10 पार्ट में इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे प्रत्येक 100 मीटर में मेरा जो बिटुमिन का वेट है वो है, 100 मीटर में बिटुमिन का वेट रिक्वायर्ड वेट आ रहा है मेरा 3060 kg। तो मेरा 10 × 3060 kg, तो मेरे जो 100 मीटर है या 1 किलोमीटर मेरा जो रिक्वायर्ड बिटुमिन का वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 30,600 kg या 30.60 टन। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, और मेरे चैनल को पहली बार अगर जो मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।